नमस्कार मैं डॉक्टर मनोज पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के टूरिज़्म विभाग से आज आपके लिए टूरिज़्म में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अध्याय के विषय में एक विस्तार से जानकारी लेकर आया हुआ हूं। आई होप आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे और जो बच्चे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिनका पेपर है वे लोग इस अध्याय को सही से जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो उनका पूरा पेपर इस लेक्चर में कम्प्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर में मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर आने वाले वर्षों में आएंगे या इस बार आएंगे वे सभी इसमें शामिल आज के लेक्चर में आपको मिल जाएंगे सो अस स्टार्ट द टाइटल इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको ब्रीफ में एच करके भी लोग जानते हैं ज़्यादातर इसका प्रोनाउंसिएशन या इसको लोग शॉर्ट uh, टर्म में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एच आर एम कर कर जानते हैं तो डियर uh, लर्नर जैसा कि आप सभी लोग बहुत सारे लोग इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं जो लोग नहीं भी जुड़े हैं तो वे लोग जानते होंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का किसी भी इंडस्ट्री में बड़ा ही अहम योगदान है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग की अगर बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिफर्स टू द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूबल एसेट दैट इज पीपल मतलब कि जो ह्यूमन है ह्यूमन किसी भी इंडस्ट्री में जो ह्यूमन है उसके बगैर हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वह इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी ह्यूमन का मतलब मैं और आप जो कि उस इंडस्ट्री को ऑपरेट करते हैं फंक्शन में लाते हैं सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मुख्य कार्य है उसका है ह्यूमन रेसे ह्यूमन को एसेट को वेल्युबल एसेट को मैनेज करना इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इवेलुएशन एंड इंश्योरिंग कंप्लाइंस विथ लेबर लॉज मतलब यह है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वह किसी भी स्टाफ की हायरिंग किसी भी एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट वर्ड को हायरिंग बोलते हैं जनरली ट्रेनिंग कराना परफॉर्मेंस इवेल्युएशन आदि इन इन कामों में वह इस काम के लिए वह जिम्मेदार है इसका महत्व क्या है अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो वी विल कम टू नो दैट इट इंश्योर्स द राइट पीपल एट टू बी हायर्ड एट राइट प्लेस यानी कि एक इंडस्ट्री में जिस प्रकार के स्किलफुल लोगों की आवश्यकता है उसी के रिलेवेंट उसी प्रकार के स्किलफुल व्यक्ति को किसी कंपनी के द्वारा हायर किया जाए एंड इट फोस्टर्स इंप्लॉयी डेवलपमेंट एंड सेटिस्फैक्शन लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी मीन्स विदाउट गिविंग द मोर ट्रेनिंग पार्ट द प्रोडक्शन को कैसे हम बढ़ाएं प्रोडक्शन पार्ट को बढ़ाएं उस पर वह काम करता है कौन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इट हैंडल्स एम्प्लॉ रिटेंशन एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्स प्रमोटिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट यह समझिए जैसे हम अपने घर में हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं उसी प्रकार से एक इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वो किसी भी इम्प्लॉय के पेरेंट्स की तरह से ट्रीट करता है मीन्स इम्प्लॉय का जो वहाँ पर बना रहना कोई परेशानी इस प्रकार की है दैट इज अगेंस्ट द रेगुलेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री मीन्स द लेबर लॉ कंडक्टेड बाय एनी गवर्नमेंट पॉलिसी अडोप्टेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉलोड इफ नॉट

तो लोग अपनी इच्छा से या किसी अन्य कारणों से पारिवारिक स्थिति की वजह से या मेडिकल स्थिति की वजह से दे माइट लीव द पोजिशन सो जो वैकेंट पोस्ट रह जाती है उसको भरने में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अहम योगदान देखने को मिलता है इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक चीज़ है जो समझना होगा दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हमने समझा मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज इम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट वीज द डिपार्टमेंट विच इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउिंग द पॉलिसीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफरिंग डिफरेंट दीज वी कैन से अलग अलग प्रकार के जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो कराने के लिए कौन जिम्मेदार है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तो मीनिंग क्या है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की डिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग स्किल्स नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इम्प्लॉयीज़ थ्रू ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मीन्स कोई एम्प्लॉयी ह्यूमन रिसोर्स ने अगर हायर कर लिया है कोई एम्प्लॉय तो उस एम्प्लॉय के uh, की स्किल्स को डेवलप करना बढ़ाना नॉलेज को इन्हांस करना अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ़ द इंडस्ट्री ठीक है कैपेबिलिटी को कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना बाय प्रोवाइडिंग दम पर्टिकुलर ट्रेनिंग ज़रूरत पड़ती है तो उसको दूसरे संस्थान में भेज करके दूसरी इंडस्ट्री में भेज करके नए टेक्नोलॉजीज नए ट्रेंड को आ, समझने के लिए भेजा जा सकता है यह काम कौन करेगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग द मोर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी कि काम के साथ साथ वह व्यक्ति जो हायर किया गया है वो अपनी उस फील्ड की एजुकेशन भी बढ़ा सकता है दिस इज़ द मेजर टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड स्किल्स वर्कफोर्स ऐसा करने से होगा क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी वर्कफोर्स होगा वो सबका सब क्या होगा स्किल्ड होगा उससे क्या बढ़ेगा एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और क्या होगा कि जो इंडस्ट्री है वो तैयार हो जाएगी आने वाले समय के चैलेंजेज को जो एक्सेप्ट जो मार्केट की डिमांड है उनको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में उनको रिजॉल्व करने में क्या होगी uh, वह तैयार रहेगी बाय विद द हेल्प ऑफ देयर मैन पावर क्योंकि देखिए हमारी ताकत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत उसकी सिर्फ और सिर्फ मैन uh, पावर uh, है जितने स्किल्ड मैन पा होंगे होंगी तो उतनी ज़्यादा वो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी यानी कि कंपटीशन दे पाएगी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है चाहे नॉन प्रोडक्शन वाले एरियाज हैं वहाँ पर भी ट्रेंड पीपल आर द रीज़न ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी इंडस्ट्री और बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टूरिज्म इंडस्ट्री में किस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं इनकी ज़रूरत क्या है रोल क्या है क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने राइट इन डिटेल अबाउट द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन टूरिज्म इंडस्ट्री टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो आंसर बहुत ही ब्रीफ में आपको बढ़िया समझना है उसके बाद अपनी भाषा में लिखना होगा इस तरह से लिखना होगा काम क्या है रिक्रूटिंग एंड मैनेजिंग स्किल्ड वर्क जैसा कि अभी चर्चा हुई है रिक्रूट करना है उनको मैनेज करना है स्किल्ड वर्क स्किल्ड का मतलब दोस्त हुआ आर स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर जॉब रोल इंश्योरिंग हाई क्वालिटी सर्विस डिलीवरीज एंड मैंटेनिंग एम्प्लॉज सेटिस्फेक्शन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फोकसेज ऑन कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट एनहानसिंग एम्प्लॉयज स्किल्स एंड फोस्टरिंग करियर ग्रोथ टू मीट इंडस्ट्री डिमांड्स टुगेदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी इंक्रीजेज इम्प्लॉयी डिटेंशन एंड इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी इन डायनेमिक टूरिज्म मार्केट टूज्म मार्केट की बात करते हैं तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट दोनों के दोनों मिल करके किसी भी इंडस्ट्री अपनी की क्वालिटी सर्विस क्वालिटीज को बढ़ाना एम्प्लॉय का बने रहना रिटेंशन पर ध्यान देता है और ऑर्गेनाइजेशनल में उनकी एडेप्टेबिलिटी का का डायनेमिक तरीके से ग्रोथ करने में हेल्प करता है उसके बाद किसी भी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके की फंक्शन की बात करते हैं यह अलग क्वेश्चन होगा व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो उसके की फंक्शन का मतलब टॉप जो रोल है उसका काम जो है वो क्या है रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होगी उसका एक डिपार्टमेंट छोटा होगा या बड़ा होगा लेकिन ज़रूर होगा दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट करना है एम्प्लॉय को आपने न्यूज़पेपर में मीडिया में अपनी वेबसाइट में एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकालना है उस नोटिफिकेशन के अनुसार आप अपने स्टाफ के बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन दो चीज़ें आती हैं जॉब डिस्क्रिप स्पेसिफिकेशन देते हो आप जैसे अगर किसी पर्टिकुलर जॉब uh, की मैं जॉब रोल में फिट होने वाले कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप मांगते हो या फिर uh, उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन मांगते हो तो आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में लिखते हो उसके बाद सिलेक्शन होगा उसका देन जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर काम करेगा कौन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का की फंक्शन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट

उस एम्प्लॉय को कंपनसेशन और बेनिफिट्स देने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास कई सारी पॉलिसीज बनी हुई हैं इम्प्लॉयी रिटेंशन में क्या होता है फॉस्टरिंग और पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट एंड हैंडलिंग ग्रीवियांज मींस इफ़ देयर इज एन इश्यू रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ लाइक मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं या गैस किसी एम्प्लॉय का uh, अचानक कोई इश्यू जाकर छोड़ना पड़ सकता है या उसको चाहिए कि ही इज आस्किंग फॉर

ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यह देखता है कि अभी की एक एक रेगुलर आइडिया उसे रहता है मेरे पास क्या आज की डेट में पोजीशन है कि वर्क फोर्स आने वाले समय में, में मुझे कितना चाहिएगा उस वर्क फोर्स को हायर करने तक और उसकी सैलरी और ए बी सी डी कामों में मुझे ओवरऑल कितना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड मुझे खर्च करना होगा दैट एस्टिमेटेड बजट इज प्रपोज्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू द हायर लेवल हायर मैनेजमेंट बाय डूइंग दिस Uh, तो जो हायर मैनेजमेंट है वो आने वाले समय के हिसाब से तैयारी करता है अपनी नेक्स्ट जो इम्प्लॉयज को हायर करना है उसके बारे में वो काम करता है देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंस क्या है देखिए वह सिर्फ किसी रिक्रूटमेंट के लिए इंगेज नहीं है मीन्स नॉट ओनली हायर हायर करना है बट टैलेंट को हायर करना है पहला इम्पोर्टेंस काम उस इम्पोर्टेंट काम है उसका टू अट्रैक्ट टैलेंट इसीलिए तो सिलेक्शन होता है इसीलिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी की जाती है सौ लोग जब किसी पोस्ट के लिए आते हैं जिसमें कि आपको पाँच या छः लोग लेने होते हैं दैट टाइम यू जस्ट लुक फॉर और यू हायर द क्रीमी लेयर ऑफ द दैट क्राउड दैट इज द जॉब ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यू लुक फॉर एवरी कॉर्नर्स प्रॉन्स एंड कॉर्नस उस व्यक्ति की आप हर प्रकार से टेस्टिंग करके लेते हो और कंपेटिबिलिटी देखते हो कि क्या वह हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिट है प्रोडक्टिविटी में फ़िट है अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए क्या उसमें ठीक है क्या उसका आप सोशल बिहेवियर देखते हो क्या उसमें फिट है तो यू लुक फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डायनेमिक पर्सनैलिटी नाव इट इज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हायर कर रहा है ना दे पीपल आर हायरिंग डायनेमिक पर्सनैलिटीज दे डू नॉट ओनली नीड अ पर्सन हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से आर हायरिंग अ पर्सन हु आर वेरी डिप्लोमैटिक एंड डायनेमिक ऑफ नेचर राइट देन इम्प्लॉय डेवलपमेंट जो इम्प्लॉय डेवलपमेंट means हमारे जितने भी इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए आपके गवर्नमेंट के द्वारा दी गई या फिर उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज हैं कई सारी है ना गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं और uh, व्यक्तिगत पॉलिसीज भी हैं उसको सैलरी का है सैलरी इज अ पॉलिसी कितनी मिलनी चाहिए कितनी कटनी चाहिए कितने नहीं कटने चाहिए दिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर कोई स्टाफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है दैट ऑर्गेनाइजेशन इन मेन टू गिव प्रमोशन टू दैट पर्सन वाई बिकॉज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ द पॉलिसी ऑफ गिविंग प्रमोशन टू द पर्सन है नी बाय डूइंग दिस द मोटिवेशनल फैक्टर विल रेज एंड अदर पर्सन विल ऑल्सो वर्क अकॉर्डिंगली राइट सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैन इम्प्लॉय इम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इसी में आ गया देन लीगल कम्पलाइंसेज का मतलब कभी कभार लीगल कंप्लायसेज में भी अगर किसी व्यक्ति ने कोई कंप्लेन कर दी अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉज एंड रेगुलेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसको डील करता है अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमने डिटेल में चर्चा की है ये बेसिक रूप से फोकस करता है मैनेजिंग द वर्कफोर्स फॉर विदिंग द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैन पावर को मैनेज करना व्यवस्थित करना जिस डिपार्टमेंट में जैसा स्टाफ चाहिए होता है जैसा एम्प्लॉय चाहिए होता है उसको वहां पर फिट करने का काम किसका है इस प्रकार के व्यक्ति को हायर करने का काम किसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का इट डील्स विद द एक्टिविटीज लाइक रिक्रूटमेंट सिलेक्शन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप जान चुके हैं लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या काम है यह फोकस करता है डॉ डेवलपिंग द वर्क फोर्स राइट द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा हायर किया हुआ व्यक्ति जो ले लिया गया है जिसको रिक्रूट कर लिया गया है नाव टू ब्रिंग यू नो शार्पनेस ऑन द स्किल्स ऑफ द एक्स पर्सन उस व्यक्ति की स्किल्स को और चमकाना अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन और आर इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री में जो हमें जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको शार्कना अगर आईटी सेक्टर में है तो उसके आईटी सेक्टर में जितना उसको नॉलेज है वो और आज हमको कौन सा सॉफ्टवेयर हमने अडॉप्ट किया है उस सॉफ़्टवेयर पर हम किस तरह से काम कर रहे हैं आपको क्या सीखने की आवश्यकता है जनरली मार्केट में अगर बात करें तो सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को डिमांडिंग है वो इंडस्ट्री में जाकर के ही हमको सीखना होता है और बाहर मार्केट में जनरली टैली है ये जितने भी लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं वो हर कोई जानता है बट वंस द स्टाफ हैज़ बीन हाइड इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू लेट द पीपल स्किल अकॉर्डिंग ट्रेन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक बड़ा क्वेश्चन है ये फिर से आएगा आपके सामने व्हाट व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग राइट इन डिटेल तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है ये इसका बेसिक काम जो है टू फोरकास्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स टू फोरकास्ट एंड एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स आने वाले समय में हमें कब कहाँ पर कितनी है मैन पावर की जरूरत पड़ेगी जिससे कि हमारा फंक्शन बिना डिस्टर्ब हुए चलता रहे ऑपरेशन बिना डिस्टर्ब हुए चलता रहे एंड इंश्योरिंग दैट इट हैज द राइट पीपल इन द राइट पोजिशन यह टास्क चेक यह काम किसका है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की दैट वी हैव टू रिक्रूट अ पर्सन फॉर राइट पोजिशन इन अ राइट पर्सन फॉर अ राइट पोजिशन एट राइट टाइम ऑल्सो सही समय पर सही व्यक्ति का चुनाव किया जाना इट एन इट एनकम कम पासेज एनालाइजिंग करेंट वर्क फोर्स कैपेबिलिटीज आइडेंटिफाइ गैप्स एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू एड्रेस दैम थ्रू रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट ठीक है देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनकर आएगा वह आएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आप डिटेल में जितना मर्जी लिख लें कोई दिक्कत नहीं है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन पर यहां पर थोड़ी सी चर्चा रहेगी आप लोगों ने पहले इस शब्द को सुना होगा जॉब जॉब एनालिसिस या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ जब कोई रिक्रूटमेंट निकलती है तो जो जो इंडस्ट्री है जो कंपनी है वह क्या लिख कर देती है एक नोटिफिकेशन में लिख के देती कि बिलो रिटर्न जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से लोग आवेदन करें मींस एप्लीकेंट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस इन दैम इतना पढ़ा लिखा हो कहीं ग्रेजुएट चाहिए कहीं पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए कहीं उससे भी हायर एजुकेशन वाले लोग चाहिए होते हैं दैट इज जॉब एनालिसिस मीन्स बेसिकली क्या आएगा उस आदमी के जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आ जाएंगी बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन में जब हायर हो जाएगा उसके बाद जो वह काम करेगा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम अंडर जॉब डिस्क्रिप्शन राइट सो दिस इज डन बाय ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वैन द एम्प्लॉय बीन हायर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन टू मेजर इसको डिफ्रेंशिएट करने को पूछा जा सकता है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन देन ये काम जो कि एक क्वेश्चन फिर से बन रहा है आपका एक टॉपिक छोटा सा है एम्प्लॉय वेलफेयर एंड कंपेंसेशन मैनेजमेंट इसका मतलब होता है देखिए इम्प्लाई वेलफेयर रिफर्स टू द एफर्ट एंड इनिशिएटिव टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ इट्स इम्प्लॉयज बियॉन्ड देयर बेसिक नीड्स बेसिक नीड का मतलब खासतौर पर हम सैलरी को जोड़ते हैं बेसिक नीड दैट इज सैलरी हमको किसने हायर किया वी जस्ट नीड बेसिक सैलरी लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज अ डिफरेंट टास्क दैट थिंग्स अबाउट दोज आर्टिकल्स विच आर नॉट विच आर अपार्ट फ्रॉम बेसिक नीड्स दैट सैलरी दैट कैन बी आर हेल्थ इश्यूज सेफ्टी सोशल सिक्योरिटी एंड एम्यूनिटी दैट एनहस द क्वालिटीज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस राइट इन चार चीजों को याद करना पहली चीज है हेल्थ फिर है सेफ्टी देन सोशल सिक्योरिटी एंड एम्यूनिटीज दैट एनहानस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस देन कंपेंसेसन मैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसीज टू फेयरली रिवॉर्ड इम्प्लॉयीज फॉर दर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन जैसे इम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसे इम्प्लॉय ऑफ द ईयर जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच वट इज दैट इज कंपनसेशन गिवन टू मोटिवेट द पर्सन टू मोटिवेट द पर्सन राइट देन एक और है बड़ा टॉपिक अपने आप में एच आर अकाउंटिंग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे एच आर अकाउंटिंग का जो बेसिक काम है वह है क्वांटिफाइंग द कॉस्ट एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स जो आपके पास मैन पावर है उसकी उसकी वैल्यूज को अकाउंट करना वैसे देखिए हमारी काम को किसी भी स्टाफ के कार्य को उसकी एफिशिएंसी को काउंट करना इज वेरी डिफिकल्ट अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए आपको एक काम फिजिकल जो करना है जो कि दिख सकता है फिजिकली विजिबल है तो उसको तो अकाउंटिंग कर सकते हैं लाइक लाइक अ पर्सन एक क्वेश्चन होता था अ पर्सन एक काम को दस दिन में करता है एक काम वो क्वांटिफाइंग किया जा सकता है उसको हम अकाउंट कर सकते हैं बट द टास्क द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर आई सेक्टर वाला हाउ विल वी विल जज अकाउंट हिज टास्क डन ड्यूरिंग द एंटायर डे तो एच आर अकाउंटिंग प्रोडक्टिविटी कैसे अकाउंट करती है यह बड़ा टास्क है उनके लिए इट हेल्प्स इन असेसिंग द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एड्स इन बजटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन इट सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हेल्प्स इन इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम्स डियर लर्नर्स रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत गजब चीज है इसके बारे में देखना टेक्नोलॉजी के बगैर वी कैन नॉट इमेजिन द स्ट्रीम लाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस नाव इज यू माइट हैव सीन दैट लॉट्स ऑफ जॉब रिक्रूटमेंट्स वी कैन सी इन वेबसाइट्स ओनली दैट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी अर्लियर इट हैजू इट वॉज सीन इन न्यूज पेपर्स ऑनली राइट बहुत सारी बात ऐसा भी हुआ है कि किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट निकले तो शायद पता भी नहीं चले जरूरतमंद को बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी कैन फाइंड इट इन मेनी सोशल नेटवर्क सोशल प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो इट एनहान्सेज वट इन वट एनहान्ज टेक्नोलॉजी इन्हा द इम्प्लॉयीज डेटा मैनेजमेंट व्यवस्थित तरीके से लिखने में ठीक रहता है इम्प्रूवस इंप्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो आसानी से आजकल क्या है ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं जूम में मीट में और अपने अपने सबके प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर मीटिंग हो रही है उससे क्या हो रहा है इम्प्लॉज अलग अलग कोनों में दुनिया के बैठे हुए हैं दे आर गेटिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स दे आर एडोप्टिंग लेटेस्ट ट्रेंड वो ब्रेन स्टॉनिंग हो जा रही बैठे बैठे दैट इज बिकॉज ऑफ द दूव दैट एडोपन ऑफ टेक्नोलॉजीज देन एनहासेज कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गनाइजेशन द सेम एग्जाम्पल कम्युनिकेशन बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी आप क्या कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ मुझे क्या करने की ज़रूरत है ये इससे मालूम चल जाता है इनेबल्स एफिशियंट इम्प्लॉयी फीडबैक एंड एंगेजमेंट ठीक है इसके टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इम्प्लॉय फीडबैक ले सकते हैं उनका एंगेजमेंट चेक कर सकते हैं कि कौन किस में कितना बिजी है ठीक है सो इन टूडेज लेक्चर वी ट्राई टू कंक्लूड द एंटायर टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीनिंग Difference between human resource management and human resource department. Uh, finally, uh, I will say that uh, kindly go through this video or uh, you can collect uh, this uh, PPT uh, later on with me. Thank you so much.